सो so फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के ऑप्टिक्स के एक सिंपल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव जिसकी वेवलेंथ 589 नैनोमीटर है एयर से आती है और वाटर पे आके इंसिडेंट होती है अब इंसिडेंट होने के बाद इस वेव के साथ दो फिनोमिनाज होंगे पहले फिनोमिना में ये रिफ्रैक्ट होगी यानी कि दूसरे मीडियम के अंदर चली जाएगी और दूसरे फिनोमिना में ये रिफ्लेक्टेड एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी अब हमें करना यह है कि रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और स्पीड को कैलकुलेट करना है जहां पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33। तो इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वो हम लोग लिख लेते हैं यानी कि इस इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो वेवलेंथ है वो दे रखी है फाइव नैनोमीटर जिसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो फाइव को टेन टू दी पावर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग जानते हैं इस समय एयर में इसकी स्पीड ऑफ लाइट होगी सी यानी कि थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन टू दावर एट मीटर्स पर सेकेंड और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यूजिकल तो पहले अगर आप लोग रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करोगे जो कि रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो ये तो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर जा रही है राइट इंसिडेंट की तरह तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट तो बदलने वाली नहीं है तो इसकी स्पीड आप लिख सकते हो थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन टू दी एट मीटर पर सेकेंड ठीक है फ्रीकवेंसी इसकी कैलकुलेट करनी है हमें अब देखिए फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू यानी कि इसको वी जैसा साइन में लिख सकते हैं तो इज इक्वल्स टू में स्पीड ऑफ लाइट यानी कि लाइट की स्पीड को उसकी वेव से डिवाइड कर दो तो आपको उसकी फ्रिक्वेंसी पता चल जाएगी एक सिंपल सा फॉर्मूला है तो यानी कि फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू में सी की वैल्यू थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन टू द पावर एट मीटर्स पर सेकंड अपॉन में फाइव एटी नाइन मल्टीप्लाय बाय टेन टू द पावर नाइन इसको करोगे तो 5.09 निकलेगा। यानी रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, जो होगी, वो होगी। होगी, या फिर और जो स्पीड होगी वो फाइव पॉइंट जीरो नाइन मल्टीप्लाई बाय टेन टू दावर फोर्टीन हर्ट्स अब बात करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे की तो देखिए कभी भी कोई भी वेव लाइट वेव जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमने 5.09 पॉइंट जीरो नाइन मल्टीप्लाई बाय टेन टू दी पावर फोर्टीन हर्स निकाली है वो ऐसे कि ऐसी रहेगी याद रखिए फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम के प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती है कि एयर से वाटर में गई है तो वो चेंज हो जाएगी ऐसा नहीं है तो बेसिकली इस रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए हमें इसकी स्पीड निकालनी है क्योंकि स्पीड इसकी चेंज हुई होगी ये वाटर में आई है और इसकी वेव कैलकुलेट करनी है तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करना है हमें वाटर के लिए तो करना कुछ भी नहीं है हमें दे रखा है इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू इज ईक्वल्स टू मैं वन पॉइंट थ्री थ्री तो इसकी जो एयर में स्पीड होती है इसको इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो तो वाटर में लाइट की स्पीड हमें मिल जाएगी सिंपल है तो वी यानी कि स्मॉल वी विलोसिटी इज इक्वल्स टू में सी अपॉन में म्यू जहाँ पर सी की वैल्यू थ्री पॉइंट या फिर थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन टू दी पावर एट अपन में वन रखोगे सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी टू पॉइंट टू सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू दावर एट तरीके से आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे अब हमें जानना है कि वाटर के अंदर लाइट की वेवलेंथ का क्या होगा वो कैसे चेंज होगी तो देखिए वेवलेंथ होती है लैम्डा हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है यानी कि 2.26 पॉइंट टू सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन टू दावर एट मीटर सेकेंड राइट अपॉन में हम लोग इसको इसकी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो हमें इसकी वेवलेंथ मिल जाएगी वेवलेंथ का यही होता है फॉर्मूला तो आप लोग इसकी वेलोसिटी को रखोगे टू पॉइंट टू सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू दावर एट अपॉन में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइव पॉइंट जीरो नाइन मल्टीप्लाई बाय टेन टू दावर फोर्टीन सोल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी फोर फोर्टी फोर पॉइंट जीरो जीरो सेवन मल्टीप्लाई बाय टेन टू दावर माइनस नाइन मीटर इसको नैनोमीटर में आप लिखोगे तो फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फोर पॉइंट जीरो वन नैनोमीटर यानी कि इस रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी फाइव पॉइंट जीरो नाइन मल्टीप्लाई बाय टेन टू दावर फोर्टीन ठीक है हर्ट्स उसके अलावा स्पीड होगी टू पॉइंट टू सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेंट दावर एट मीटर्स पर सेकेंड और जो वेव लेंथ होगी वो होगी फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फोर पॉइंट ज़ीरो वन नैनोमीटर तो इस तरीके से आप लोग इस तीनों को सॉल्व करते हो यानी कि स्पीड वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी और अगर आपने नोट किया हो तो जो इसकी स्पीड और वेव लेंथ एयर में थी उससे कम वाटर में है यानी कि वाटर में आने के बाद इसकी स्पीड और वेवलेंथ दोनों ही कम हो गई लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रही तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी लाइट जो है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है यानी कि वो कम हो जाती है और स्पीड कम हो जाती है फ्रीक्वेंसी सेम रहती है सो आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कैलकुलेटिव क्वेरी दिखती है कोई क्वेश्चन आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं तो so फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही सी यू द नेक्स्ट